यूक्रेन से जंग के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर दुनिया के कई देश पाबंदियां लगा चुके हैं। उधर युद्ध में रूस को बड़ी सफलता होती दिख नहीं रही है। 2 साल से ज्यादा का समय हो गया और यूक्रेन जंग के मैदान में डटा हुआ है। कई देशों की तरफ से शांति की अपील की गई लेकिन कोई फायदा होता नजर नहीं आया। इस बीच अब अमेरिका ने एक ऐसा बयान दे दिया जो आग में घी डालने का काम करेगा। दरअसल अमेरिका ने ईरान पर रूस को बैलिस्टिक मिसाइल देने के आरोप लगाए हैं। जी हां, अमेरिकी और यूरोपीय अधिकारियों के अनुसार ईरान ने रूस को कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें भेजी हैं। अमेरिका का मानना है कि ये एक ऐसा कदम जो मॉस्को को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में एक और शक्तिशाली सैन्य उपकरण देता है। ईरान और रूस दो ऐसे देश हैं जिनके खिलाफ अमेरिका ने सबसे ज्यादा प्रतिबंध लगाए हैं और उम्मीद है कि निकट भविष्य में दोनों देशों पर और भी ज्यादा प्रतिबंध लगाए जाएंगे। जिस तरह से अमेरिका ने एक बार फिर मिसाइलें देने की बात कही है, उससे तो ये लगता है कि आने वाले समय में और भी प्रतिबंध लगाए जाएंगे। अब सवाल यह है कि ईरान का इन आरोपों पर क्या कहना है। तो ईरान ने रूस को बैलिस्टिक मिसाइलों की आपूर्ति के आरोपों को निराधार और भ्रामक बताते हुए खारिज कर दिया है। तेहरान पर अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगियों द्वारा आरोप लगाए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र में इस्लामी गणतंत्र ईरान के मिशन ने शुक्रवार को कहा कि देश यूक्रेन संघर्ष के पक्षों को किसी भी सैन्य सहायता को अमानवीय मानता है, जिससे यूक्रेन में जीवन और बुनियादी ढांचे को नुकसान बढ़ेगा। 30 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान चल रहे रूस यूक्रेन संघर्ष के संबंध में अमेरिकी, ब्रिटिश और फ्रांसीसी दूतों द्वारा तेहरान पर समन्वित आरोप लगाए जाने के बाद मिशन ने कहा, यूक्रेन में संघर्ष के संबंध में इस्लामी गणतंत्र ईरान की स्थिति नहीं बदली है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के स्थायी प्रतिनिधित्व अमीर सईद इरावानी ने पहले भी यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियान में तेहरान की भूमिका के संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस के निराधार और भ्रामक आरोपों को खारिज कर दिया था। इरावानी ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगी इस निर्विवाद तथ्य से इनकार नहीं कर सकते हैं कि उन्नत पश्चिमी हथियार भेजने से, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूक्रेन में युद्ध लंबा हो गया है और नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है।